मास्टर स्ट्रोक एकदम नए अंदाज में इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब अगला मास्टर स्ट्रोक पता है किस पर होने वाला है, जिसकी चर्चा आजकल हर जुबान पर है, हैशटैग मीटू पर। भारत में हैशटैग मीटू के पहले राजनीतिक शिकार एमजे अकबर की नई जंग शुरू हो गई है। अदालत की ये जंग है। अकबर के मुताबिक उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को सबक सिखाने की ये जंग है, लेकिन कहीं वो अपने ही बचाए हुए जाल में फंस तो नहीं रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जानने के लिए आपको पहले अकबर से जुड़ी आज की पांच बड़ी खबरों को जरूर समझ लेना चाहिए। पत्रकार प्रिया रमानी पर एमजे अकबर के मानहानि केस की सुनवाई आज से शुरू हो गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अकबर कोर्ट में मौजूद नहीं थे। एमजे अकबर की तरफ से कहा गया कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अकबर का इस्तीफा कल मंजूर हुआ, लेकिन आज दोपहर तक भारत सरकार की वेबसाइट पर मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम मौजूद था। यौन शोषण के इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है 31 अक्टूबर को। एमजे अकबर की तरफ से वकील गीता लूथरा कोर्ट में पेश हुई। दलील दी कि अकबर की 40 साल से तैयार हुई छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। प्रिया रमानी ने अकबर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले ट्वीट किए। प्रिया का दूसरा ट्वीट तो बिल्कुल अकबर के खिलाफ था, जिसे 1200 लोगों ने लाइक किया। प्रिया के ट्वीट का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस्तेमाल किया। ये ट्वीट अकबर की प्रतिष्ठा को तब तक नुकसान पहुंचाने वाले हैं जब तक प्रिया कुछ साबित नहीं कर देती। कोर्ट में गीता लूथरा ने बाकी महिलाओं के ट्वीट्स का हवाला भी दिया। Court has taken cognizance today and now the matter is listed on 31st of October. अकबर की बड़ी दिक्कत ये है कि करीब 20 महिलाएं उनके खिलाफ गवाही के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले अकबर का बयान दर्ज करवाएंगे, बाद में बाकी गवाहों के, यानी 31 अक्टूबर के बाद ही साफ होगा कि मुकदमा दायर करके अकबर बच गए या खुद ही अपने जाल में उलझ गए। तो कोर्ट में आज क्या हुआ आपने देख लिया। अब ये समझ लीजिए कि अकबर का कोर्ट पे किन किन महिलाओं से सामना होगा और ये महिलाएं अकबर की परेशानियां बढ़ाएंगी, ये तो तय है। अदालत में अकबर का 21 महिलाओं से अब सामना होगा। हर महिला के पास अपनी अलग आप बीती है और महिलाओं की यही लंबी होती फहरिस्त सरकार को डराने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि अभी और कितनी महिलाएं अकबर के खिलाफ गवाह के तौर पर सामने आएंगी और उनकी गवाही में होगा क्या कुछ। हर गवाही का मतलब सरकार के लिए आलोचना झेलना ही था। ऐसे में पहली सुनवाई से 18 घंटे पहले एनएसए अजीत डोभाल की राय पर प्रधानमंत्री ने अकबर पर लगा सुरक्षा चक्र हटा लिया, क्योंकि एक तरफ पीड़ित महिलाओं की संख्या बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ कैबिनेट की वरिष्ठ महिला मंत्रियों में भी असंतोष पनप रहा था। सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज ने भी जता दिया था कि उन्हीं के मंत्रालय में अकबर के रहते काम करना मुश्किल होगा। संघ के ताकतवर लोगों का रुख भी अकबर के खिलाफ था। आरएसएस में नंबर 3 दत्तात्रेय होसबोले ने अकबर पर आरोप लगने के बाद मीटू मूवमेंट के पक्ष में ट्वीट किया था। अकबर का इस्तीफा लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अब उनका बचाव मुश्किल हो रहा था। अगर सही मायने में इनके मन में कोई गलत बेईमानी के विचार ना होते, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं चाहते तो पहले दिन दे देना चाहिए। व्यक्तिगत मामला है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये भी अजीब सहयोग है कि एमजे अकबर जिस मंत्रालय में 2 साल तक राज्य मंत्री रहे उसमें यौन शोषण की शिकायतें सबसे ज्यादा दर्ज की गई। 18 मंत्रालयों में 36 शिकायतें दर्ज हुई तो इनमें सबसे ज्यादा 36% यानी 13 शिकायतें सिर्फ विदेश मंत्रालय में थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सुना है ना आपने? मतलब जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं बसते हैं। एमजे अकबर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद वैसे लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक क्या है ये आपको जानना चाहिए। नारी उपासना के लिए है, वासना के लिए नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।